हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और पता है अभी हो रही है सुबह की 4, लेकिन अभी मैं वीडियो थोड़ी देर बाद मैं स्टार्ट की हूँ। सुबह के 4 बजे से मैं उठी थी तो मैं 3:30 बजे से ही, क्योंकि मुझे कहीं निकलना था और इस तरह से अचानक निकलना पड़ेगा मैं सोची भी नहीं थी। बहुत ज़्यादा थोड़ा सा दुख भी हो रहा था कि पता नहीं अचानक से मुझे ऐसे जाना पड़ रहा है, और मैं कहीं और जाने के लिए तैयारी कर रही थी और मुझे वो 28 तारीख को जाना था। लेकिन अभी जो मैं जा रही हूँ ना, तो मम्मी का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है, हमारी मम्मी का। तो फिर मम्मी से मिलने के लिए मैं ना भागलपुर जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी वहीं पर हॉस्पिटल पर आएगी। तो कहते हैं ना, पलक झपकते ही मतलब क्षण में क्या हो जाए कहना मुश्किल है यार। मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही, मतलब उस टाइम मैंने मम्मी से बात की, बहुत अच्छे से बात बात हुआ। फिर थोड़ी देर बाद सिस्टर ऐसे ही फ़ोन की तो रोने लगी, फिर बताई ऐसे ऐसे हो गया है, तो अब देखना पड़ेगा। मैं भी थोड़ा सा शॉक हूँ, क्योंकि इस बात को 2 दिन बीत चुके हैं। फिलहाल मम्मी वहीं की डॉक्टर से दिखाई, लेकिन जो गांव वगैरह के जो डॉक्टर होते हैं ना, तो उतना सही से नहीं देख पाते हैं। तो इसीलिए मम्मी ना भी बड़े डॉक्टर से दिखाने के लिए भागलपुर में आ रही है। जैसे कि हम लोगों का ना डॉक्टर का जो है ना, डॉक्टर ज़्यादा हम लोग भागलपुर से ही इलाज कराते, चाहे कुछ भी होती है ना। तो बस आना, अभी हम लोग सुबह का 7 बजे वाला ट्रेन पकड़े हैं। उठी थी मैं 4 बजे, क्योंकि बहुत सारा काम होता है घर में, और मेरा आज ब्लॉग नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैं ना पूरा दिन डॉक्टर के यहाँ रही। बृहस्पतिवार को ही घर से, अभी आज जो मैं निकल रही हूँ ना, तो बृहस्पतिवार था, मेरा उपवास था। ऊपर से सुबह मैं उठी, पूजा पाठ कथा वगैरह जो कथा होती है वो सारा चीज़ मैं जल्दी जल्दी से निपटा करके और फिर मैं निकल गई हूँ। और अभी मैं भागलपुर स्टेशन पहुँच कर मैं आप सबसे बात कर रही हूँ, और मम्मी लोग भी अभी ट्रेन से उतरने ही वाली है। मम्मी लोग को थोड़ा लेट लगेगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा पहले पहुँच जाते हैं और उधर से थोड़ा आने में टाइम लगता है। तो अभी हम लोग मम्मी को लेने के लिए जा रहे हैं। और पता है पूरा दिन वह डॉक्टर के यहाँ इतना लेट रिपोर्ट आता है ना शाम, मतलब आज है ना, आज जैसे हम लोग जा रहे हैं तो कल शाम में ही नंबर लगा हुआ था डॉक्टर के पास। जैसे डॉक्टर के पास जब जाते हैं ना, तो वहाँ नंबर लगाना पड़ता है। और यहाँ पे हम लोग बहन वगैरह भी आई थी साथ में, मम्मी के साथ बहन आई थी, इधर से हम लोग थे। तो पता है अभी हम लोग सीधे डॉक्टर के घर निकलेंगे, और मम्मी ना मतलब आई है तैयारी से, क्योंकि मम्मी नानी घर चली जाएगी। अगर ज़्यादा मतलब जख्म वाला बात हो, आप देख सकते हैं मम्मी का हाथ बहुत ज़्यादा फुला हुआ था, मैं आपको भी दिखाऊंगी। और इसके बाद मेरा हिम्मत नहीं किया कि मैं आगे कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि मम्मी का हाथ मतलब सब लोग कह रहे थे कि क्रेक हो गया है। तो कहते हैं ना, 10 लोग 10 तरह की बातें करते हैं, तो फिर ना जिसका मन में डर नहीं होता है उनका भी मन में डर हो जाता है। तो मम्मी वहाँ पे गांव में भी एक्सरे वगैरह कराई थी, लेकिन वहाँ पे बोले कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर फिर मन का जो शंका होता है, जो सोचने की जो बीमारी हो जाती है, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पे जो है ना, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, मतलब सब चीज़ डॉक्टर सही बताए। लेकिन ना डॉक्टर के घर यार, सच कहूँ ना, तो भगवान डॉक्टर और कोर्ट और कचहरी जो होती है, इसका रास्ता कभी ना दिखाए किसी को भी, बहुत ख़राब होती है। अच्छे लोग भी जाके यहाँ पे, अच्छे लोगों का भी दिमाग ख़राब हो जाता है, पता है। इतना ज़्यादा मैं ना वैसे ही, ये मुझे लेके नहीं जाना चाह रहे थे, बोले तुम्हारा दिल बहुत कमज़ोर है, तुम मत जाओ। मैं बहुत ज़िद करके गई हूँ कि नहीं, मुझे जाना है तो जाना है, मैं जाऊँगी। तो फिर पूरा ज़िद करके मैं गई, और सच में जो सोची थी वही हुआ। एक ना लड़का पूरी तरीके से घायल था, एक्सीडेंट हुआ था, और उसे मेरे सामने में ला कर एडमिट किया। और क्या बताऊँ, जब वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था ना, वो आवाज़ ऐसा लग रहा था ना, क्या ही मैं बताऊँ, दिमाग काम करना बंद कर दिया। फिर उसके बाद से एक तो मैं ऐसे ही उपवास था, मेरा पूरा दिन उपवास में ही चला गया। और पूरा दोपहर के 3 बजे के बाद से इतनी जोर तबीयत ख़राब,
पूरा मेरा रास्ता उल्टी उल्टी ही होते रहा। और ना हम लोग उस दिन भी वहीं पे रहे क्योंकि रिपोर्ट थोड़ा लेट आने वाली थी, तो दूसरे दिन सुबह में हम लोग घर आए थे और मम्मी को मतलब थोड़ा जो बैंडेज वगैरह होता है ना तो वो सारा नहीं हुआ। लाख लाख भगवान जी का शुक्र है कि मतलब जो है ना हाथ के जो कोहनी होते हैं ना उसमें थोड़ा सा जख्म है, बाकी बात कुछ भी नहीं है। और बस आप लोग मेरी मम्मी के लिए दुआ करिएगा, जो भी थोड़ा बहुत है वो सारा ठीक हो जाए। पैसा खर्च हुआ लेकिन ना बहुत मतलब मम्मी अभी मैं बात की थी तो मम्मी बता रही थी कि बहुत आराम है। तो वही होते जो अच्छे डॉक्टर होते हैं ना तो वो बस एक बार देखते हैं ना तो कहते हैं ना डॉक्टर के पास जाने से ना इंसान का सारा बीमारी ऐसे ही भाग जाता है, छुमंतर हो जाता है। और फिर मैं दूसरे दिन आज दूसरे दिन सुबह में घर मैं करीब 10:30 बजे भागलपुर से आ गई थी। मतलब उस दिन तो जिस दिन मैं गई पूरा दिन डॉक्टर के यहाँ का चक्कर काटना पड़ा। फिर मैं वहाँ से आई, पूरा कपड़ा वगैरह चेंज की, नहा धोवा के फ्रेश हो गई। फिर ना मैं अभी सोची चावल बनाऊंगी तो सब कोई बोल रहे थे मम्मी का भी थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है, तो मम्मी बोले सब्जी ही बना दे रहे इधर आलू और परवल की। मैं सब्जी बना दी और पराठा बना दी, थोड़ा सा ये भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी। और ना फिर इनको भी मम्मी को भी हम दे दिए थे और फिर बाकी कामों में मैं लग गई थी। पूरा रूम ना ऐसा लग रहा था कि एक भी नहीं थी ना घर में, तो पूरा बिखरा बिखरा सा लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। और सबसे मेन बात तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, इतना तेज़ तबीयत ख़राब ना। और भूखी तो ऐसे ही रही क्योंकि कहीं मैं बाहर जाती हूँ ना, उपवास वगैरह था तो मैं बाहर का कुछ भी नहीं सोची खाऊंगी, और वैसे भी मैं नहीं खाती हूँ और बाहर का उतना अच्छा भी नहीं होता है जो कि हम विश्वास कर सकते हैं। तो फिर मैं ना घर पर ही आके मतलब उसके दूसरे दिन मैं सोची कि अब जब तक जैसे उपवास में रहती हूँ तो उसके दूसरे दिन मैं नहा धोवा के फिर ही मैं कुछ भी खाती हूँ, तो मैं सोची अब घर जाकर ही खाऊंगी। तो यहाँ पे ना घर आके मैं खाना पीना खाई और जो भी काम था बर्तन वगैरह वो सारा मैं फटाफट से निपटा देती हूँ ताकि मैं सो जाऊँ। मैं सोच रही थी कि मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिल जाए तो मैं आराम करूँ। सर अभी भी मेरा भारी भारी लग रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आप देख सकते होंगे मेरा फेस बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गई थी क्योंकि मतलब पूरा रात तो सो नहीं पाए, डॉक्टर घर में कौन सो पाता है। वो तो भाग अच्छा था हम लोगों का कि एक मेरा भाई है ना भागलपुर में पढ़ाई करता है, तो भाई जो मेरी आंटी का लड़का है ना तो वो भागलपुर में पढ़ाई करता है, तो हम लोग ना उसी के पास नाइट में जाके रूम में ठहरे क्योंकि वो वहीं पे रहता है। और बस यहाँ पे सारा काम वगैरह मैं की। और ना फिर हस्बैंड जी करीब 1 बजे वो चले गए अपने दोस्त के बराती में, वो भी बहुत ज़्यादा थके हुए थे लेकिन इतना ज़्यादा कॉल आ रहा था ना, इनका बिल्कुल भी मन नहीं था कि जाए बराती में अटेंड करें शादी, लेकिन मैं ही बोली कि जब इतना बोल रहे हैं तो चल जाइए, तो फिर ये बहुत जिद पे ही गए हैं। तो आज तो ये दिन भर मतलब रात भर रहेंगे नहीं, मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा और अकेले तो मुझे थोड़ा डर लगता है, लेकिन कोई नहीं अब तो मैं माँ बन गई हूँ, अगर मैं ही डरूंगी तो मेरी बच्चे पे क्या असर होगा। तो अपने आप को हर जगह कोशिश करती हूँ ढालने का। और शाम का टाइम हो रहा था ना तो मैं चाय बनाई, एक देवर है उसको मैं दी और मम्मी को दी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा पकौड़ी तली क्योंकि चना दाल मैं दोपहर में फूलने के लिए डाल दी थी। मन हो रहा था कि कुछ चटपटा सा खाऊं लेकिन पता है कल दिन भर कुछ नहीं खाई और आज कुछ भी खा रही थी ना तो मुझे नमक तो लग ही नहीं रहा था, सारा चीज़ फीका लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं खाऊं। जो भी खा रही थी ना मुँह को बिल्कुल भी स्वाद ही नहीं आ रहा था, बेकार बेकार सा लग रहा था। फिर भी थोड़ा बहुत खाई क्योंकि अगर मैं भूखी रहूँगी तो पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहती है, तो मुझे अपने आप को स्वस्थ और मस्त रखने का मैं हर हमेशा कोशिश करती हूँ कि अच्छी रहूँ ताकि पूरे घर को मेंटेन करके रख पाऊँ। और ना बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, अभी बस जो भी काम था वो सारा मैं अभी फिनिश करके बैठी हूँ और आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो मैं भगवान की लाख लाख शुक्र करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि हमारी मम्मी का उतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और आप सबका जो दुआ है ना मेरे साथ है,
कोशिश करते हैं बहुत ही जल्द मिलेंगे प्यारा सब लोग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय ऑल यूट्यूब फैमिली।